हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन किचन बाय रचना गिलोत्रा। खाने में टेस्टी सब्जी के साथ अगर डिफरेंट तरह का रायता हो तो खाने का टेस्ट दुगना हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी चार डिफरेंट रायते बनाने की रेसिपी जो मिनटों में बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइनएप्पल रायता बनाने के लिए हमें टिन वाला मीठा पाइनएप्पल चाहिए होता है, या फिर इसे हम घर में भी बना सकते हैं। स्वीट पाइनएप्पल बनाने के लिए पाइनएप्पल के मोटे मोटे गोल पीसेस काट लेंगे। पैन में 1.5 कप पानी डालेंगे। इसमें 2/3 कप चीनी डालेंगे। बॉईल आने पर पाइनएप्पल के पीसेस डाल देंगे। पाइनएप्पल को ढककर 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। पानी सूखकर चाशनी जैसा गाढ़ा हो गया है, ये हमारा स्वीट पाइनएप्पल रेडी है। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। पाइनएप्पल को ठंडा करने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। और सेंटर वाला पोर्शन थोड़ा हार्ड होता है, उसे निकाल देंगे। एक छोटी कटोरी दही लेंगे और उसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये कटा हुआ पाइनएप्पल इसमें मिक्स करेंगे। पाइनएप्पल की जो चाशनी होती है उसे 4 से 5 चम्मच रायते में ऐड करेंगे। हमें इसमें अलग से शुगर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। लौकी का रायता बनाने के लिए हम 1 टुकड़ा लौकी का काट लेंगे। इसे पील करके कद्दूकस कर लेंगे। इस लौकी को 3 से 4 मिनट पानी में बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद उस पानी को ड्रेन कर देंगे। एक छोटी कटोरी दही लेकर उसे बीट करेंगे। बॉइल्ड लौकी को दही में मिक्स करेंगे और ये हमारा लौकी का रायता तैयार हो गया। इसमें ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा रॉक सॉल्ट और भुना हुआ जीरा। एक बाउल रायता बनाने के लिए हमें चाहिए आधा टमाटर, आधा प्याज और आधा खीरा। तीनों को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। एक छोटी कटोरी दही लेकर उसे बीट करेंगे और इसमें ये तीनों चीजें मिक्स कर देंगे। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, भुना हुआ जीरा और चॉप्ड धनिया।
सबसे पहले लहसुन की दो कलियां लेंगे और इसे अच्छी तरह से कूट कर इसका पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट में 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे जिससे लहसुन का फ्लेवर पानी में आ जाएगा। एक छोटा बॉल दही अच्छी तरह से बीट करेंगे। दही में लहसुन का पानी छान कर डालेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पुदीने का पेस्ट मिक्स करेंगे। डालेंगे थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा और थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स।